हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के बारे में काफी हद तक बात कर ली है, लेकिन हम लोगों ने सर्कुलर मोशन को अर्थ पे डिस्कस किया था। आज हम लोग अर्थ से बाहर स्पेस में डिस्कस करते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास हमारा प्लैनेट है जिसे हम अर्थ कहते हैं। अर्थ के अराउंड हमें मालूम है बहुत से सैटेलाइट इन अ सर्कुलर पाथ जो है रोटेशन शो करते हैं। फर्स्ट कर लीजिए कि ये हमारे पास सैटेलाइट है जिसका मास एम है। ये अर्थ के अराउंड जो है वो रोटेशन शो कर रही है। इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। हमें मालूम है कि इसकी जो लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो टेंजेंट टू द सर्कल है, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। हमें मालूम है कि किसी भी बॉडी को इन अ सर्कुलर पाथ रोटेशन शो कराने के लिए उस बॉडी के सेंटर से जिसके अराउंड वो रोटेशन शो कर रही है कि सेंटर से एक फोर्स एक्ट करती है जो इसे अपने सेंटर की तरफ खींचती है, और इस फोर्स को हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। हमें मालूम है कि सेंट्रिपिटल फोर्स की बदौलत ही मुख्य बॉडीज जो हैं ना सर्कुलर पाथ रोटेशन करने के काबिल होते हैं। अगर सेंट्रिपिटल फोर्स ना प्रोवाइड की जाए तो कोई भी बॉडी ना सर्कुलर पाथ रोटेशन शो नहीं कर सकती, और सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के इक्वल होती है। अब मसला ये है कि हमारी इस सैटेलाइट को जो अर्थ है वो सेंट्रिपिटल फोर्स किस तरीके से प्रोवाइड कर रही है। हमें मालूम है न्यूटन के लॉ से, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, कि अर्थ हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कि एफ जी से रिप्रेजेंट की जाती है। अब ये जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही असल में अर्थ की सेंट्रिपिटल फोर्स है जो इस सैटेलाइट को प्रोवाइड की जाती है इन अ सर्कुलर पाथ रोटेशन के लिए। और हमें ये भी मालूम है कि हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस बिटवीन दम, इनके दरमियान जो रेडियस है आर, यानी कि अर्थ के सेंटर, ये अर्थ का सेंटर है, यहाँ से लेकर इस बॉडी के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल, इसके स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाता है। अब हमारी जो सेंट्रिपिटल फोर्स है इस सैटेलाइट को प्रोवाइड की जा रही है वो असल में अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है। यानी कि इसमें जो इमेज से मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा सकती हूँ कि जो सैटेलाइट है ये अर्थ के अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ रोटेशन शो कर रही है। इस सैटेलाइट के सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है इसे हम लोग रेडियस कहते हैं। इसके सेंटर का जो हाँ जी डिस्टेंस आता है उसे हम लोग रेडियस कहते हैं, जो दोनों बॉडीज के दरमियान है। और अर्थ इस जो सैटेलाइट को फोर्स प्रोवाइड की जा रही है सेंट्रिपिटल फोर्स, किसको, अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, अर्थ इसे अपने सेंटर की तरफ लाना चाह रही है। तो वो फोर्स जिससे अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और चूंकि इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो हमारी अर्थ है वो एक और वो सैटेलाइट जो है वो एक ऑर्बिट में मूव कर रही है, यानी कि उसमें सेंट्रिपिटल फोर्स भी है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही अर्थ अर्थ की सैटेलाइट को सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो मुझे कहना चाहिए कि अब जो हमारी सेंट्रिपिटल फोर्स है वो बराबर है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की, यानी कि अर्थ की, हमारी से मुराद अर्थ की है, यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ही इस सैटेलाइट को सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो हमारी सेंट्रिपिटल फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो बराबर है जी एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये स्मॉल एम जो है ये मास ऑफ सैटेलाइट है, इसे मास ऑफ सैटेलाइट कहते हैं, और जो कैपिटल एम है वो मास ऑफ द अर्थ, इसे मास ऑफ द अर्थ कह दीजिए, जिसे मास ऑफ द सैटेलाइट। और हमारे जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें मालूम है वो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मास ऑफ द अर्थ जो कैपिटल एम है डिवाइडेड मल्टीप्लाई स्मॉल मास मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि इस सर्कल का जो रेडियस है उसके स्क्वायर से उसे डिवाइड कर दिया जाता है। अब देखा जाए तो दोनों तरफ ही हमारे पास आर एम में इस एक आर को इसके एक आर से कैंसिल कर दूं और इस मास ऑफ सैटेलाइट को इस मास ऑफ सैटेलाइट से कैंसिल कर दूं तो मेरे पास वी स्क्वायर आ जाता है जी एम और डिवाइडेड बाय आर, सिंपल आर आएगा क्योंकि एक आर इस आर से कैंसिल आउट हो चुका है। मैंने इस वी को यहाँ पर इसलिए अलहदा किया ताकि मैं ये बता सकूँ कि मैं वो स्पीड बताना चाह रही हूँ, वो वेलोसिटी बताना चाह रही हूँ जिससे ये हमारी सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है। हमें मालूम है कि कोई भी बॉडी अगर इन सर्कुलर पाथ रोटेशन शो कर रही है तो उसमें एक लीनियर वेलोसिटी भी होती है और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होती है और लीनियर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल टू द सर्कल होती है, यानी टेंजेंट की तरफ होती है। तो मुझे ये लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जिससे हमारी जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में मूव कर रही है।
इस वेलोसिटी को जिससे सैटेलाइट ऑर्बिटल में मूव करता है, इस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। आज इस एक्सप्रेशन से हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे किसी भी सैटेलाइट की अर्थ के अराउंड। तो हमारा जो वी स्क्वायर है वो बराबर है जी एम डिवाइडेड बाय आर के। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन की स्केयरिंग करूँ तो मुझे दोनों तो स्केयर रूट लेना पड़े, स्केयर को ख़त्म करने के लिए, तो मुझे इन दोनों तरफ लेना पड़ेगा। तो ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल हो जाता है, जो मेरी वेलोसिटी है वो जी एम अंडर रूट डिवाइडेड बाय आर के इक्वल आती है। अगर मैं इसे इस तरह से लिखूँ कि वी इसी तरह से और अंडर रूट का जो एक्सप्रेशन है वो अलहदा कर दूँ, जी एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर, और अगर मैं इस तरह से भी इसको लिखूँ कि ये जो वी है वो इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम इंटू वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर। ये हमारा आर है, मेरी राइटिंग भी थोड़ी सी अजीब सी है, इसे आर कहते हैं। तो ये हमारा जो वी ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो अंडर रूट जी एम इंटू वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर के इक्वल है। अगर अब मैं ये करूँ कि हम इस चीज़ को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दूं, तो मुझे मालूम है कि अगर मैं यूं कर दूं कि मैं जी एम को लेट कर लूं कि ये कोई कांस्टेंट है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो वी इज़ इक्वल्स टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर। और जब कांस्टेंट और इज इक्वल्स टू होते हैं तो हम इसे प्रोपोर्शनैलिटी की इलामत से तब्दील कर सकते हैं, यानी कि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन वन बाय अंडर रूट आर आ जाएगा। इसको इस सूरत में लिखने का मकसद ये था कि जो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है किसी भी बॉडी के लिए ना ऑर्बिटल मोशन मोशन के लिए, तो वो मैस पर डिपेंड नहीं करती। ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इस सैटेलाइट की, ये इस सैटेलाइट के मैस पर डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ रेडियस पर डिपेंड करती है कि अर्थ और इस सैटेलाइट के सेंटर से कितना रेडियस है अर्थ और इस बॉडी के दरमियान। इस रेडियस पे हमारी ये जो सैटेलाइट है इसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है। अगर ये रेडियस कम होगा तो हमारी जो सैटेलाइट है वो ज़्यादा तेज़ी से अर्थ के अराउंड रोटेशन शो करेगी, और जैसे ही हमारा रेडियस बढ़ता चला जाएगा सैटेलाइट अर्थ से दूर होती चली जाएगी तो उसकी स्पीड उतनी ही कम होती चली जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है वो मास पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो रेडियस पे डिपेंड है। दो बॉडीज के दरमियान जो रेडियस है, यानी कि सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान जो हमारा रेडियस है, इस रेडियस पे डिपेंड करती है हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस ऑर्बिटल वेलोसिटी के थ्रू, इस रिलेशनशिप के थ्रू हम लोग किसी भी चीज़ की ऑर्बिटल वेलोसिटी बता सकते हैं। हम अर्थ की बता सकते हैं अराउंड सन, हम सन के अराउंड अर्थ की बता सकते हैं, हम लोग के प्लैनेट्स की अर्थ के अराउंड बता सकते हैं, हम लोग मून की भी ऑर्बिटल वेलोसिटी बता सकते हैं अर्थ के अराउंड, मुख्तलिफ जो सैटेलाइट्स हैं उनकी बता सकते हैं, मिसाइल्स वगैरह, किसी भी चीज़ की ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है वो आसानी से बता सकते हैं। और इससे ये बात भी पता चलती है कि अर्थ के अराउंड किसी भी चीज़ की जो मूवमेंट है, जो उसकी सर्कुलर मोशन है, वो सिर्फ इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि अर्थ ही अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स इसे प्रोवाइड करती है जो सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्वल होती है, और ये सैटेलाइट जो है ना सर्कुलर पाथ मूवमेंट करने के काबिल होते हैं। अगर अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स ना ही सैटेलाइट को देती तो ये सैटेलाइट कभी भी ना सर्कुलर पाथ मूवमेंट शो नहीं कर पाती थी, क्योंकि हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की वही सेंट्रिपिटल फोर्स होती है इस सैटेलाइट के लिए।